बसमिल नाजरीन आपका मेज़बान कामना नजी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आर के विंग आज की मेरी वीडियो इन तमाम दोस्त अहबाब के लिए जो कंप्यूटर लेक्चर के पेपर की तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को अच्छे से सुने और पूरा देखें कम्प्यूटर का पेपर जो कि चार से पाँच बुक्स में से ही बनाया जाता है जिसमें शामिल ऐसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क डेटाबेस और एल्गोरिदम्स की बुक्स शामिल हैं जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की खबर आपको मिल सके तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर हमारे पास ऑप्शन है चार ए बी सी और डी राउटिंग इंटर नेटवर्किंग कंजेशन कंट्रोल नन ऑफ द अबव मेंशन इन तमाम ऑप्शंस में से पहले तो हमको ये देखना होगा कि नेटवर्क लेयर के फंक्शंस कौन कौन से हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ़ नेटवर्क लेयर राउटिंग कंजेशन कंट्रोल और इंटर नेटवर्किंग तो ये तीनों तो क्या हो गए जी हमारे फंक्शंस हो गए हमारे नेटवर्क लेयर के तो यहाँ पर जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन बनता है वो है नन ऑफ द अबव मैंशन नेक्स्ट बात करते हैं द फोर बाइट आई पी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ यहाँ पर भी चार ऑप्शन हैं ए बी सी डी नेटवर्क एड्रेस होस्ट एड्रेस या फिर सी बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव मेंशन तो ये भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि फोर बाइट आईपी एड्रेस कंसिस्ट करता है फॉर्मेट ऑफ एन आईपी एड्रेस आईपी एड्रेस आर थर्टी टू बिड्स इट मींस वन बाइट इज इक्वल टू एट बिट्स और एट मल्टीप्लाई बाई फोर इज इक्वल टू थर्टी टू दे कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स कौन कौन से द नेटवर्क नंबर एंड होस्ट नंबर तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं लिहाजा हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है उसका ए एंड बी है नेटवर्क एड्रेस एंड होस्ट एड्रेस नेक्स्ट बात करते हैं इन वर्चुअल सर्किट नेटवर्क ईच पैकेट कंटेन्स फुल सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस बी ऑप्शन आ शॉर्ट वी नंबर सी ऑप्शन बॉथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव मेंशन तो ये भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से विचुअल सर्किट नेटवर्क को डिफाइन किया गया है यहाँ पर आप देख रहे हैं इशू डाटाग्राम सबनेट्स और वर्चुअल सर्किट सबनेट जिसमें सेकंड नंबर पर ईच पैकेट कंटेन्ज आ शॉर्ट वीसी नंबर तो यहाँ पर हमारे पास बेस्ट आंसर है अशॉर्ट बी सी नंबर नेक्स्ट बात करते हैं कम्युनिकेशन चैनल इज शेयर्ड बाय ऑल द मशीन्स ऑन द नेटवर्क इन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क बी ऑप्शन यूनिकॉस्ट नेटवर्क सी ऑप्शन मल्टीकास्ट नेटवर्क या फिर डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव तो इसको भी जानने के लिए हम इस नेक्स्ट पिक्चर को देखते हैं क्लासिफाइंग बाय ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी जिसमें हम नीचे से स्टार्ट करते हैं पॉइंट टू पॉइंट की कनेक्शन मेड वी आर लिंक्स बिटवीन पेयर्स ऑफ नोड यानी ये सिंगल की बात कर रहा है यहाँ पर एक से दूसरे के साथ अटैच किया जाता है यूनिकास्ट यानी यूनिवर्सल कास्ट अ कम्युनिकेशन इन्वॉल्विंग अ सिंगल सेंडर एंड आ सिंगल रिसीवर यहाँ पर भी सिर्फ दो लोग ही शामिल हैं एक भेजने वाला और दूसरा रिसीव करने वाला मल्टी कास्ट मल्टी कास्ट में कम्युनिकेशंस टू आ स्पेसिफाइड ग्रुप यानी एक ग्रुप बना दिया जाता है जिसमें दो लोग भी हो सकते हैं या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं दिस रिक्वायर द ग्रुप एड्रेस मल्टी मीडिया मल्टी कास्ट लास्ट पर है जी हमारे पास ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट में क्या है जी अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल शेयरड बाई आल मशीन्स अड्रेस ऑन द नैटवर्क ब्रॉडकास्ट कैन भी बहुत अ लॉजिकल और अ फिजिकल कॉन्सेप्ट मीडिया एक्सेस कंट्रोल जिसको मैक का नाम दिया जाता है तो यहाँ पर हमारे पास बेस्ट ऑप्शन कौन सी है ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क कम्युनिकेशन चैनल शेयर्ड बाई आल द मशीन्न द नेटवर्क नेक्स्ट बात करते हैं विच मेड्यूल गिव्स कंट्रोल ऑफ द सी पी यू टू द प्रोसेस सेलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म स्केजूलर ऑप्शन ए डिस्पैचर ऑप्शन बी इंटरप्ट ऑप्शन सी स्केजुलर नन ऑफ द अबव मेंशन तो ये भी हम नेक्स्ट इस पिक्चर में देखते हैं डिस्पैचर बेसिक कंसेप्ट्स Dispatcher module gives control of the CPU to the process selected by the short term scheduler this involves switching context switching to user mode jumping to the proper location in the user program to restart that program dispatch latency means delay karna time it take for the dispatcher to stop one process and start another running process डिस्पैचर यानी ये जो हम डेफिनेशन रीड कर रहे हैं ये किसकी डेफिनेशन है डिस्पैचर की तो इसका बेस्ट आंसर हुआ डिस्पैचर नेक्स्ट बात करते हैं द प्रोसेस दैट आर रिजाइडिंग इन मेन मेमरी एंड आर रेडी एंड वेटिंग टू एग्जीक्यूट आर कैप्ट ऑन अ लिस्ट कार्ड तो ये कौन सी ऑप्शन हो सकती है ऑप्शन ए जॉब क्यू ऑप्शन बी रेडी क्यू ऑप्शन सी एग्जीक्यूशन क्यू या फिर ऑप्शन डी प्रोसेस क्यू तो इसको भी हम नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं सबसे पहले जॉब क्यू जहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट की जाती है इट मीन्स कोई नई जॉब तो वो सबसे पहले कहाँ पर जाती है रेडी क्यू में और रेडी से फिर आगे कंपाइल होने के लिए सीपीयू की तरफ भेजी जाती है तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन कौन सा है रेडी क्यू का नेक्स्ट बात करते हैं द इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ अ प्रोसेस टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन इज टर्म्ड एज़ तो ये भी डेफिनेशन बन रही है ऑप्शन ए वेटिंग टाइम की टर्न अराउंड टाइम की रिस्पांस टाइम की या फिर थ्रू पुट की तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सी एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ कि जिस तरह से हम मूवीज़ वग़ैरह देख रहे होते हैं तो पूरी मूवी के अंदर सेंटर में जाकर इंटरवल आ जाता है जी और वो इंटरवल हमको ये चीज़ बताता है कि अब यहाँ से क्लाइमेक्स स्टार्ट होने वाला है और ये किसकी तरफ जा रहा है एंड की तरफ इट मींस कोई चीज़ पूरी होने जा रही है तो ये जो टाइम होता है दैट इज़ कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा हुआ टर्नड अराउंड टाइम नेक्स्ट बात करते हैं इन प्रियोरिटी स्केजलिंग एल्गोरिदम जहाँ पर लफज आ जाए प्रियोरिटी प्रायोरिटी से मुराद कि वो हर चीज़ को दूसरी चीज़ पर सबकत दे देता है इट मींस यहाँ पर बात की जा रही है ऑप्शन ए सी पी यू इज़ एलोकेटेड टू द प्रोसेस विद हाइएस्ट प्रियोरिटी या फिर ऑप्शन बी सी पी यू इज़ एलोकेटेड टू द प्रोसेस विद लोएस्ट प्रियोरिटी ऑप्शन सी इक्वल प्रियोरिटी प्रोसेस कैन नॉट बी स्केज्ड या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव मैंशन तो जब हम बात करते हैं प्रियोरिटी स्केजलिंग की तो यहाँ पर किसी भी ऐसी चीज़ की प्रियोरिटी की बात की जा रही है जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होती है ऐसे प्रोसेस को सबसे पहले सी काम करने की इजाज़त देता है ये देखें जी प्रोसेस अराइवल टाइम बस टाइम और प्रायोरिटी तो यहाँ पर जो पी थ्री है उसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है इट मीन्स सबसे पहले अगर सी पी एलोकेट किया जाएगा तो किसको किया जाएगा पी थ्री को और लोएस्ट प्रायोरिटी कौन सी है पी फाइव की नेक्स्ट बात इन प्रायोरिटी स्केजुलिंग एल्गोरिदम तो इसका बेस्ट आंसर uh, हुआ सी पी यू इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस विद हाईएस्ट हाइस्ट नेक्स्ट बात करते हैं टाइम क्वांटम इज डिफाइंड इन तो ये टाइम क्वांटम फिजिक्स में भी डिफाइन किया जाता है तो यहाँ पर वो किस तरह से इसको ले रहा है जी ऑप्शन ए शॉर्टेस्ट जॉब स्कैजिंग एल्गोरिज्म ऑप्शन बी राउंड रॉबिन स्केजुलिंगिंग एल्गोरिदम ऑप्शन सी प्रायोरिटी स्केजुलिंग एल्गोरिदम और ऑप्शन डी मल्टी लेवल क्यू स्केजलिंग एल्गोरिदम तो इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं राउंड रॉबिन स्केजुलिंग द राउंड रॉबिन इज डिज़ाइंड स्पेशली फॉर द टाइम शेयरिंग सिस्टम जिसमें इट इज़ सिमिलर एफ सी एफ एस बट एड पिम्पन कंसेप्ट यानी अब अगर हम नीचे देखते हैं ए और बी को तो ए में आप देख रहे हैं बी एफ डी जी ए इट मीन्स वो यहाँ पर बात कर रहा है कि करंट प्रोसेस कौन सा है हमारे पास बी और नेक्स्ट कौन सा आने वाला है एफ़ तो जब वो बी की बात कर रहा है तो वो बी को उठाकर एट दी एंड पर शिफ्ट कर दिया जाता है और पीछे क्या रह जाता है जी हमारे पास करंट प्रोसेस वो है एफ़ जिस तरह से थर्ड ऑप्शन में उसने उसको डिफाइन भी किया अ स्मॉल यूनिट ऑफ टाइम कार्ड टाइम क्वांटम इज डिफाइंड नोट दैट बी इन फिगर बी मूव्स टू द टेल ऑफ द क्यू इट मीन्स कि वो एंड पर जा चुका है ये किसकी बात हो रही है राउंड रॉबिन की तो इसका बेस्ट आंसर क्या हुआ राउंड रॉबिन स्केजुलिंग एल्गोरिदम नेक्स्ट बात करते हैं एल आर यू एल आर यू पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम एसोसिएट्स विद ईच पेज द डैश ऑप्शन ए टाइम इट वॉज़ ब्रॉट इन टू मेमरी ऑप्शन बी द टाइम ऑफ दैट पेज इज लास्ट यू ऑप्शन सी पेज आफ्टर एंड बिफोर इट या फिर ऑप्शन डी आल ऑफ दीज तो इसको भी हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम हमारे पास कितने हैं जी टोटल पाँच फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल आर यू यूज्ड ऑप्टिमल यूज ऑप्टीमल एल एफ यू फ्रीकुंटली यूज और लास्ट पर है जी एम एफ यू मोस्ट फ्रीकुंटली यूज तो यहाँ पर हमारे पास बेस्ट ऑप्शन कौन सा है द टाइम ऑफ दैट पेजेस लास्ट यूज़ नेक्स्ट बात करते हैं ब्लूटूथ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन ए पर्सनल एरिया नेटवर्क ऑप्शन बी लोकल एरिया नेटवर्क ऑप्शन सी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव मैंशन तो यहाँ पर हमको पता है कि जब हम बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क की तो ये तकरीबन एक बिल्डिंग की बात हो रही है यानी शॉर्ट एरिया की बात हो रही है तो अगर हम पर्सनल एरिया नेटवर्क की बात करते हैं तो ब्लूटूथ जो के जैसे ही ये अपनी रेंज से बाहर निकलती है जिस तरह से आप कह सकते हैं 50 मीटर 60 मीटर 70 और 80 मीटर्स 80 मीटर्स तक ये क्या करती हैं ब्लूटूथ एक दूसरी डिवाइस को क्या करती है कैप्चर करती है इट मीनस कि हम सिग्नल एक दूसरे के साथ वो क्या कर लेते हैं कोई भी फाइल वग़ैरह हम शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन ए यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क नेक्स्ट बात करते हैं अ डैश इज अ डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क बाय प्रोसेसिंग द राउटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द पैकेट उम्मीद करता हूँ ये तो सबको पता होगा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी तो इसका बेस्ट आंसर है ऑप्शन सी राउटर जो कि पैकेट्स को क्या करता है प्रोसेस करता है राउटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड करके नेक्स्ट बात करते हैं अ लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज बाय अ सिस्टम वन प्रोटोकॉल पर लेयर इज कॉल्ड ऑप्शन ए प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर ऑप्शन बी प्रोटोकॉल स्टैक ऑप्शन सी प्रोटोकॉल सूट ऑप्शन डी कोई भी नहीं यानी नन ऑफ द अबव मेंशन। तो इसका बेस्ट आंसर है प्रोटोकॉल स्टैक स्टैक मीन्स के यहाँ पर दो आ, स्कीम्स आ जाती हैं फीफो और लाइफो फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सबसे पहले आए और सबसे पहले आपको सर्व किया जाएगा अगर हम ला, लाइफो की बात करते हैं तो लास्ट इन फर्स्ट आउट जिस तरह से स्टैक की बात हो रही है तो उसमें लाइफों को ही इस्तेमाल किया जाता है यानी एंड पर जो चीज़ एंटर होगी वो सबसे पहले सर्व की जाएगी नेक्स्ट बात करते हैं नेटवर्क कंजेशन अक्स ऑप्शन ए इन केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोडिंग ऑप्शन बी व्हेन अ सिस्टम टर्मिनेट्स ऑप्शन सी व्हेन अ कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स टर्मिनेट या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव मैंशन तो यहाँ पर कंजेशन कंजेशन मीन्स के वहाँ पर ट्रैफिक का ओवरलोड काम हो रहा है तो इसका बेस्ट आंसर है इन केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोडिंग ऑप्शन ए नेक्स्ट बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंड्स आ प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन ए लोकल एरिया नेटवर्क ऑप्शन बी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ऑप्शन सी एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क या फिर लास्ट पर डी स्टोरेज एरिया नेटवर्क तो इसका बेस्ट आंसर है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क नेक्स्ट बात करते हैं विच स्केडिंग एल्गोरिदम एलोकेट्स द सी पी यू फर्स्ट टू द प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट द सी पी यू फर्स्ट तो यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर आपके सामने हैं सबसे पहले एलोकेट कौन कर रहा है और रिक्वेस्ट कौन भेज रहा है तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन कौन सी होगी ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या ऑप्शन डी तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केजुलिंग यहाँ पर अप्लाई की जाएगी नेक्स्ट बात करते हैं इन प्रियोरटी स्कैजुलग एल्गोरिदम्स वेन आ प्रोसेस अराइव एट द रेडिक्यू इट्स प्रियोरिटी इज़ कंपेर्ड विद द प्रियोरिटी ऑफ ऑप्शन ए आल प्रोसेस ऑप्शन बी करंटली रनिंग प्रोसेस ऑप्शन सी पेरेंट प्रोसेस ऑप्शन डी इनिट प्रोसेस तो इसका बेस्ट आंसर है करंटली रनिंग प्रोसेस नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेस आर क्लासीफाइड इन टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑप्शन ए शॉर्टेस्ट जॉब स्केज़लिंग एल्गोरिदम्स, ऑप्शन बी राउंड रॉबिन स्केजलिंग एल्गोरिदम, ऑप्शन सी प्रियोरिटी स्केजलिंग एल्गोरिदम या फिर ऑप्शन डी मल्टी लेवल क्यू स्केजलिंग एल्गोरिदम तो यहाँ पर इसका बेस्ट आंसर है मल्टी लेवल क्यू स्कैजिंग एलगोरिदम क्योंकि यहाँ पर ग्रुप्स शामिल हो चुके हैं नेक्स्ट बात करते हैं इन मल्टी लेवल फीडबैक स्कैजलिंग एलगोरिदम तो इसमें कौन सा ऑप्शन बेस्ट है आप ऑप्शन ए आ प्रोसेस कैन मूव टू अ डिफरेंट क्लासिफाइड रेडिक्यू ऑप्शन बी क्लासिफिकेशन ऑफ रेडिक्यू इज परमानेंट ऑप्शन सी प्रोसेसेस आर नॉट क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स नन ऑफ द अब मैं तो इसका बेस्ट आंसर है ऑप्शन ए अ प्रोसेस कैन मूव टू अ डिफरेंट क्लासीफाइड रेडी क्यू नेक्स्ट बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी स्क्चड बाई द करनल ऑप्शन ए करनल लेवल थ्रेड ऑप्शन बी यूजर लेवल थ्रेड ऑप्शन सी प्रोसेस या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अब मैं तो इसका बेस्ट आंसर है यूजर लेवल थ्रेड फॉलोइंग कैन नाट बी स्क्वेज बाई द करनल यानी कर्नल इसको खुद नहीं करता नेक्स्ट बात करते हैं a process refers to five pages a b c d e in the order a b c d a b e a b c d e if the page replacement algorithm is a fifo any first in first out the number of the page transfer with an empty internal storage store of three frame is called option a 8 option b 10 option, uh, option c 9 या फिर ऑप्शन डी सेवन तो इसका आंसर है बेस्ट ऑप्शन सी नाइन नेक्स्ट बात करते हैं इन कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स आर नोड्स मींस कंप्यूटर कौन सी ऑप्शन बेस्ट है ऑप्शन ए द कंप्यूटर दैट रिजिनेट्स द डाटा ऑप्शन बी द कंप्यूटर दैट राउट्स द डाटा ऑप्शन सी द कंप्यूटर दैट टर्मिनेट्स द डाटा ऑप्शन डी आल ऑफ द अबव Mentioned. तो यहाँ पर नेटवर्क कंप्यूटर्स की बात हो रही है तो ऑरिजिनेट्स राउट्स टर्मिनेट्स ये तीनों काम वो करता है तो इसका बेस्ट आंसर हुआ आल ऑफ़ द अबब मैंशन नेक्स्ट बात करते हैं अ मेमरी पेज कंटेनिंग आ हैवीली यूज वेरिएबल दैट वाज निशलाइज वेरी अर्ली एंड इज इन कॉन्स्टेंट यूज इज रिमूव देन द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम यूज इज एल आर यू ऑप्शन ए ऑप्शन बी एल एफ यू ऑप्शन सी एफ आई एफ ओ या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज तो इसका बेस्ट आंसर है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नेक्स्ट बात करते हैं यूजर्स दैट डैश दैट देअर प्रोसेसिज आर रनिंग ऑन अ पेज्ड सिस्टम ऑप्शन ए आर अवेयर क्या वो जानते हैं ऑप्शन बी आर अन अवेयर एंड ऑप्शन सी नन ऑफ दिस तो इसका बेस्ट आंसर है आर अनअवेयर नेक्स्ट बात करते हैं द एम ऑफ क्रिएटिंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स इज टू ऑप्शन ए रिप्लेस पेजेस फास्टर ऑप्शन बी इंक्रीज द पेज फॉल्ट रेट ऑप्शन सी डिक्रीज द पेज फॉल्ट रेट ऑप्शन डी टू एलोकेट द मल्टीपल पेजिज टू द प्रोसेस तो कोई भी एल्गोरिदम जब रिप्लेसमेंट का अप्लाई किया जाता है तो उसका बेसिक मकसद होता है डिक्रीज द पेज फॉल्ट यानी इसका बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी नेक्स्ट बात करते हैं आफ आईफो रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम असोसिएट विद ईच पेज द डैश ऑप्शन ए टाइम इट वाज ब्रॉड इनटू मेमोरी ऑप्शन बी साइज ऑफ़ द पेज इन मेमोरी, ऑप्शन सी पेज आफ्टर एंड बिफोर इट ऑप्शन डी आल ऑफ दीज तो इसका बेस्ट आंसर है ऑप्शन ए टाइम इट वाज़ ब्रॉट इनटू मेमोरी, किसकी बात हो रही है फाइव फोर रिप्लेसमेंट एलगोरिदम की नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम तो ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है किसी भी चीज़ को रिफ्रेश कर देना यानि कि जो आ, ऐसे लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स जो हमारे चल रहे थे हमें अब ज़रूरत नहीं है उनको क्या कर देना फिक्स uh, आउट कर देना इट मींस उनको क्लोज कर देना बंद कर देना तो यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए रिप्लेस द पेज दैट दैट हैज़ नॉट बीन यूज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑप्शन बी रिप्लेस द पेज दैट हैज़ बीन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑप्शन सी रिप्लेस द पेज दैट विल नॉट बी यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑप्शन डी नन ऑफ दीज तो इसका बेस्ट आंसर क्या हुआ ऑप्शन सी रिप्लेस द पेज दैट विल नॉट बी यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम इट मीन्स ऑप्टीमल पेज नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टीमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम इज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट बिकॉज ऑप्शन ए इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑप्शन बी इट रिक्वायर्स फ्यूचर नॉलेज ऑफ द रेफरेंसिंग स्ट्रिंग ऑप्शन सी इट इज टू कॉम्प्लेक्स एंड ऑप्शन डी इट इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव तो इसका बेस्ट आंसर है ऑप्शन बी इट रिक्वायर्स फ्यूचर नॉलेज ऑफ द रेफरेंस स्ट्रिंग नेक्स्ट बात करते हैं बिल्ड एंड फिक्स मॉडल इज सूटेबल for प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज ऑफ डैश एल ओ सी ये लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है बल्कि लाइन ऑफ कोड है तो वो बिटवीन हो सकती है ऑप्शन ए 100 से 200, ऑप्शन बी 200 से 400, ऑप्शन सी 4 से 1000 तक 400 से 1000 तक एंड ऑप्शन डी अबव वन थाउजेंड तो इसका बेस्ट आंसर है ऑप्शन ए वन हंड्रेड से टू हंड्रेड के दरमियान नेक्स्ट बात करते हैं रेड रेड स्टैंड फॉर ऑप्शन ए रिलेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट ऑप्शन बी रैपिड एप्लीकेशन एप्लीकेशन डेवलपमेंट ऑप्शन सी रैपिड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट तो इसका बेस्ट आंसर है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट नेक्स्ट बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स इज नॉट सूटेबल फॉर अकोमोडेटिंग एनी चेंज ऑप्शन ए बिल्ड एंड फिक्स मॉडल ऑप्शन बी प्रोटोटाइपिंग मॉडल ऑप्शन सी रैड मॉडल ऑप्शन डी वाटरफॉल मॉडल तो इसको हम इस पिक्चर से डिफाइन करते हैं वाटरफॉल मॉडल नेक्स्ट बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ फेज ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल ऑप्शन ए क्विक डिज़ाइन ऑप्शन बी कोडिंग ऑप्शन सी प्रोटोटाइपिंग रिफाइनमेंट ऑप्शन डी इंजीनियर प्रोडक्ट तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि इन चार ऑप्शनों में से प्रोटोटाइप फेज कौन सी नहीं है तो अब हम इस पिक्चर में देखते हैं यहाँ पर स्टार्ट रिक्वायरमेंट गैदरिंग सेकेंड वन क्या है क्विक डिज़ाइन थर्ड वन क्या है बिल्डिंग प्रोटोटाइप फोर्थ वन क्या है कस्टमर इवेल्यूशन फिफ्थ वन रिफ़ाइनिंग प्रोटोटाइप एंड लास्ट पर क्या है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट तो ये तीन ऑप्शन तो इसमें मौजूद हैं तो लास्ट वन कोडिंग मुझे दिखाई नहीं दे रहा जिसका मतलब ये है कि इसका बेस्ट आंसर क्या हुआ कोडिंग यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल नेक्स्ट बात करते हैं रैड मॉडल हैज़ ऑप्शन ए टू फेज़ेस, ऑप्शन बी थ्री फेज़ेस, ऑप्शन सी फाइव फेज़ेस या फिर ऑप्शन डी सिक्स फेज़ेस। तो इस पिक्चर में हम देखते हैं कि टोटल रैड की कितनी फेज़ेस हैं हमारे पास बिजनेस मॉडलिंग फर्स्ट वन डेटा मॉडलिंग सेकेंड वन प्रोसेस मॉडलिंग थर्ड वन एप्लीकेशन जनरेशन फोर्थ वन एंड टेस्टिंग एंड मॉडलिंग फिफ्थ वन यानी टोटल हमारे पास कितनी फेजिज होगी पाँच तो बेस्ट आंसर क्या हुआ सी ऑप्शन फाइव फेजिज नेक्स्ट बात करते हैं वट इज़ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग रैड मॉडल ऑप्शन ए हाईली स्पेशलाइज एंड स्किल्ड डवेल्पर्स डिज़ाइनर्स आर रिक्वायर्ड ऑप्शन बी इंक्रीज री यूजबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स ऑप्शन सी इंक्रेजिज कस्टमर क्लाइंट फीडबैक या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी यानी हाईली स्पेशलाइज एंड स्किल्ड डिवेल्पर्स और सी में क्या है इंक्रेजिज द कस्टमर क्लाइंट फीडबैक तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी नेक्स्ट बात करते हैं एस डी एल सी स्टैंड फॉर तो उम्मीद करता हूँ ये तो सबको ही पता होगा ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट लाइफ साइकिल ऑप्शन बी सिस्टम डिवेलपमेंट लाइफ साइकिल ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन लाइफ साइकिल ऑप्शन डी सिस्टम डिज़ाइन लाइफ साइकिल तो इसका बेस्ट आंसर है सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट लाइफ साइकिल नेक्स्ट बात करते हैं विच मॉडल कैन बी सिलेक्टेड इफ़ यूज़र इज इन्वॉल्व इन आल द फेजिज ऑफ एस डी एल सी तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन ए वाटरफॉल मॉडल ऑप्शन बी प्रोटोटाइपिंग मॉडल ऑप्शन सी रैड मॉडल ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी तो इसका बेस्ट आंसर है ऑप्शन सी रैड मॉडल नेक्स्ट बात करते हैं आर रिलेशनल डाटा बेस कंसिस्ट ऑफ आ कलेक्शन ऑफ ऑप्शन ए टेबल्स ऑप्शन बी फील्ड्स ऑप्शन सी रिकॉर्ड्स ऑप्शन डी कीज तो इसका बेस्ट आंसर है टेबल्स नेक्स्ट बात करते हैं अ डैश इन आ टेबल रिप्रेजेंट्स आ रिलेशनशिप अमंग आ सेट ऑफ वैल्यूज ऑप्शन ए कॉलम ऑप्शन बी की ऑप्शन सी रो ऑप्शन डी एंट्री तो इसका बेस्ट आंसर है रो नेक्स्ट बात करते हैं द टर्म डैश इज़ यूज टू रेफर टू अ रो ऑप्शन ए एट्रीब्यूट ऑप्शन बी ट्यूपल ऑप्शन सी फील्ड ऑप्शन डी इंस्टेंस तो इसका बेस्ट आंसर है ऑप्शन बी ट्यूपल नेक्स्ट बात करते हैं द टर्म एट्रीब्यूट रेफर टू आर डैश ऑफ आर टेबल ऑप्शन ए रिकॉर्ड ऑप्शन बी कॉलम ऑप्शन सी ट्रिप्पल ऑप्शन डी की तो इसका बेस्ट आंसर है ऑप्शन डी कॉलम नेक्स्ट बात करते हैं फॉर ईच एट्रीब्यूट ऑफ आर रिलेशन देर इज अ सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज कार्ड द डैश ऑफ दैट एटरीब्यूट ऑप्शन ए डोमेन ऑप्शन बी रिलेशन ऑप्शन सी सेट ऑप्शन डी स्कीमा तो इसका बेस्ट आंसर है ऑप्शन ए डोमेन नेक्स्ट बात करते हैं विच फॉर्म्स हैज़ आर रिलेशन दैट प्रोजेसिज डेटा अबाउट एन इंडिविजुअल इन एंटिटी ऑप्शन ए सेकेंड एन एफ ऑप्शन बी थर्ड एन एफ ऑप्शन सी फोर्थ एन एफ और ऑप्शन डी फिफ्थ एन एफ तो इसका बेस्ट आंसर है फोर्थ एन एफ नेक्स्ट बात करते हैं विच फॉर्म्स आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी जी इसका बेस्ट आंसर कौन सा होगा फर्स्ट ए एन एफ सेकेंड टू एन एफ बी और सी क्या है थर्ड एन एफ डी क्या है फोर्थ एन एफ तो इसका बेस्ट आंसर है थर्ड एन एफ नेक्स्ट बात करते हैं डैश कैन हेल्प अस डिटेक्ट पुअर ई आर डायग्राम तो इसका बेस्ट आंसर है फंक्शनल डिपेंडेंसी नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ईच रिलेटेड एंटिटी सेट हैज़ इट्स ऑन स्कीमा एंड देर इज एन एडिशनल स्कीमा फॉर द रिलेशनशिप सेट तो इसका बेस्ट आंसर कौन सा है ऑप्शन ए अ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप सेट ऑप्शन बी मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी सेट सी आ वन टू मैनी रिलेशनशिप सेट या फिर डी बोथ ए एंड बी तो इसका बेस्ट आंसर है ए ऑप्शन ए आ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप सेट नेक्स्ट बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग आ सेपरेट स्कीमा इज क्रिएटेड कंसिस्टिंग ऑफ दैट एट्रीब्यूट एंड द प्राइमरी की ऑफ द एंटिटी सेट ऑप्शन ए अ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप सेट ऑप्शन बी अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी सेट ऑप्शन सी अ वन टू मैनी रिलेशनशिप सेट या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी तो इसका बेस्ट आंसर है अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी सेट नेक्स्ट बात करते हैं डिजाइनर यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टू टर्न टू ट्यून परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम टू सपोर्ट टाइम क्रिटिकल ऑपरेशन ऑप्शन ए डी नॉर्मलाइजेशन ऑप्शन बी रिडेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन सी ऑप्टिमाइजेशन और डी रियलाइजेशन तो इसका बेस्ट आंसर है ऑप्शन ए डी नॉर्मलाइजेशन नेक्स्ट बात करते हैं लेक्सियल एनालाइजर टेक्स डैश एज इनपुट एंड प्रोड्यूस अ स्ट्रीम ऑफ डैश एज आउटपुट ऑप्शन ए सोर्स प्रोग्राम टोकन ऑप्शन बी टोकन सोर्स प्रोग्राम सी इधर ऑफ द टू डी नन ऑफ द मेंशन तो इसका बेस्ट आंसर है ऑप्शन ए सोर्स प्रोग्राम और टोकन नेक्स्ट बात करते हैं पार्सिंग इज़ आल्सो नाउन एज ऑप्शन ए लेक्सिकल एनालिसिस ऑप्शन बी सेंटेक्स एनालिसिस ऑप्शन सी एनालिसिस, ऑप्शन डी कोड जनरेशन तो इसका बेस्ट आंसर है ऑप्शन बी सेंटेक्स एनालिसिस नेक्स्ट बात करते हैं अ कंपाइलर प्रोग्राम रिटर्न इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड। ऑप्शन ए सोर्स कोड ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम ऑप्शन सी मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव मैंशन तो इसका सही आंसर है सोर्स प्रोग्राम